नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। RRB NTPC का प्रीवियस ईयर का हम लोग सेट लगाएंगे, जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूंगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट कर। तो देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को बसाया था, ऑप्शन टू आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने बसाया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या कहता है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन टू आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन टू क्या है? ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सीएफसीज है। अगला है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गूगल के सीईओ का नाम बताइए। तो ऑप्शन फोर सुंदर पिचाई। अगला, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। लिख लेते हैं संख्याएं, 2, 3, 7, 16, 32। आगे है क्वेश्चन मार्क। देखिए, 2 से 3 बनाते हैं आपका क्या होता है, 1 जुड़ता है। 3 से 7 बनाते हैं, 4 जुड़ता है। 7 से 16 बनाते हैं, कितना जुड़ रहा है, 9। और 16 से 32 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है, 16। देखिए, 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। आगे आपका क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 25। इस 25 को 32 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 5, 2, 7, 3, 2, 5, तो कितना आ गया, 57। तो ऑप्शन टू इज राइट आंसर। अगला, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो समीकरण आपका है, लिख लेते हैं, 2aq-3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 5aq-2 बराबर किसके है, 10a² प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लेते हैं, प्लस 6 आ गया है। अब देखिए, 2a³ का 5a³ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 = 10, a³ कितना हो जाएगा, 1 × 6। फिर माइनस 2a³ का -2 में करेंगे तो 4a³ आ जाएगा। फिर देखिए, -3 का 5a³ में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -15a³ आ जाएगा। अब -3 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा, बराबर 10a² 10a⁶ है यहाँ पर, तो 10a⁶ प्लस एक्स प्लस 6 ये आ गया आपका। अब देखिए, 10a⁶ ये कट गया तो आगे क्या बचा आपका, देखिए -4a³ और -15a³ कितना हो जाएगा, -19a³। फिर प्लस 6 बराबर एक्स प्लस 6, 6 से 6 कट जाएगा और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगा, -19a³। तो ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखिए, केदारनाथ गुजरात, केदारनाथ जो है वो गुजरात में नहीं है, तो ये आपका गलत है। बाकी के 3 सही, जैसे कि एलिफेंटा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में हैं, खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन फोर, ही कैन नॉट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला, रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा, ये गलत है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि दूसरा है, जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, बिल्कुल सही। दूसरा है, मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य, ये भी सही। और बी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, ये भी सही हो जाएगा, वर्गीज कुरियन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? तो ऑप्शन एक महानदी। अगला है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं और 1 असंगत, असंगत का चयन करें। देखिए, स्वप्न, खर्राटे और नींद, ये तीनों आपकी एक ही चीज़ में आ जाती हैं, लेकिन ध्यान जो है ये अलग आपकी चीज़ है, तो आपका असंगत हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? महात्मा गांधी। बाकी के 3 हैं, कैलाश सत्यार्थी, रविंद्रनाथ टैगोर और अमर्त्य सेन।
अगला है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन 3 मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूसीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो ऑप्शन 1 झारखंड। बाकी के 3 राज्यों की जुड़ी है, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। अगला, सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 1 डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन 2 इंटरनेट शब्दावली में IP का अर्थ इंटरनेट प्रैक्टिस है, ये गलत है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि पहला है, भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था, ये सही है आपका। तीसरा है, हॉटमेल 1995 में शुरू की गई पहली निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा है। फिर बिंट सर्फ को इंटरनेट का जनकों के में से एक माना जाता है, ये भी सही है। अगला, भाई सबसे छोटी प्राकृत संख्या n ज्ञात कीजिए जहाँ 288 × n का गुणनफल पूर्ण घन है। तो 4 ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या आपकी 6 मिल रही, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 288 में 3 का मल्टीप्लाई, तो 3824 की 4 हासिल लगा 2, 3824 हो जाएगा, 26 की 6 हासिल लगा 2, फिर 3 दूनी 6। देखिए यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई होगा, मैंने 3 का कर रहा हूँ, तो 288 में 6 का मल्टीप्लाई होगा, 6 × 8 = 48 हासिल लगा 4, 6 × 8 = 48, 52 की 2 हासिल लगा 5, 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 17, तो 1728 किसका हो जाएगा आपका, 12 का घन हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित समीकरण में गणितीय संकेतों के उस सही अनुक्रम का चयन कीजिए जिसमें दिए गए संकेतों को यथाक्रम A के स्थान पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो देखिए 3 A हैं, तो तीनों A में हम लोग तीनों चिन्ह को अप्लाई कर देंगे, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। और इन तीनों चिन्हों को अप्लाई करेंगे समीकरण के LHS वाले पद में, तो वो राइट साइड के बराबर आएगा, मतलब 20 के बराबर आएगा। समीकरण लिख लेते हैं, 150 A, फिर 50 A, फिर 15 A, 25। तो 150 A, A का मतलब क्या है, पहले A की जगह पर पहला चिन्ह भाग, फिर 50 A, दूसरे A की जगह पर दूसरा चिन्ह मल्टीप्लाई, फिर 15 A, तीसरे A की जगह तीसरा चिन्ह -25। ओके, तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, 150 में 50 का डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 × 15 -25, 15 × 3 = 45 -25। देखिए 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2, तो 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, फ्लाइट्स जो कि 21वीं सदी में यात्रा और मानव शरीर रचना विज्ञान से संबंधित एक उपन्यास है, निम्नलिखित में से किस बुकर पुरस्कार 2018 विजेता लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन 4 ओल्गा टोकारजुक। अगला है, पहली 4 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए पहली 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 2, योग ज्ञात करना है, तो 2 प्लस अगले अभाज्य संख्या 5, फिर आएगी 7 और फिर आएगी आपकी कितनी, देखिए 2 आएगी प्लस 3 भी आएगी, 3 और है आपकी, 4 हो गई, 2, 5, 7, 7, 7, 14, 14, 3, 17, तो कितना आ गया, ऑप्शन 3। अगला है, नोमोफोबिया क्या है? तो ऑप्शन 4 सेल्यूलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर। अगला, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षरांकीय समूह आ सकता है? तो कर लेते हैं गाइस, देखिए गाइस 5 से 7 बना रहे हैं तो आपका 2 जुड़ रहा है, या आप ऐसे कर लीजिएगा 5 से डायरेक्ट 6 बनाइएगा, बीच वाला 1 छोड़ दीजिएगा, तो आपका कितना जुड़ा, 1। ओके, फिर आगे का 1 छोड़ के 1 और बनाएंगे तो पीछे 1 जुड़ा तो आगे भी 1 जोड़ेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा आपका, अब फिर 1 छोड़ेंगे 7 में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कंडीशन अप्लाई हो गई। अब देखिए ए से सी बना तो 2 की वृद्धि, सी से ई बना 2 की वृद्धि, ई से जी बना 2 की वृद्धि,
आगे भी दो की वृद्धि होगी, सात का कोड होता है सात, जी का कोड होता है सात, सात में दो जोड़ेंगे नौ, नौ किसका होता है आई का, तो आपका कितना हो जाएगा सात आई आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन एक इज राइट आंसर। अगला यदि 1.5x बराबर है 0.04y, तो ये आपका दिया हुआ समीकरण इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1.5x बराबर कितना है 0.04, तो यहाँ से y भी है साथ में गाइस 0.04y, तो यहाँ से x अपन y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.04 बटे 1.5। अब आपका इक्वेशन दिया गया है क्या y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या करते हैं y का डिवाइड कर देते हैं, तब हम लोग आसानी से x अपन y की वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो यहाँ पर y से डिवाइड करेंगे तो y से y कट जाएगा, तो एक आ जाएगा, एक प्लस x अपन y आ जाएगा इधर x अपन y, और बटे में y से y कटा तो 1 प्लस x अपन y ये हो गया। अब हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे गाइस, कर देते हैं तो 1 प्लस x अपन y की वैल्यू कितनी है 0.04 बटे 1.5, फिर बटे 1, देखिए ऊपर माइनस होगा, यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया, यहाँ माइनस होगा, y माइनस x है ना। अब नीचे क्या है 1 प्लस x अपन y की वैल्यू 0.04 बटे 1.5। अब LCM आपका ऊपर और नीचे 1.5 होगा, तो 1.5 कट जाएगा, तो अब ऊपर कितना आ जाएगा 1.5 माइनस 0.04, और ये कितना आ जाएगा 1.5 प्लस 0.04 ये आ जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले ऊपर घटा लेते हैं, 1.5 से 0.04 घटा लेते हैं, तो देखिए 10 में से 4 गया 6 आ गया, अब इधर कितना बचा 4, तो ये कितना आ गया आपका 1.46 आ गया बटे में। अब देखिए 1.5 में 0.04 जोड़ देते हैं तो ये 4, 5, 1, तो 1.54 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो 146 बटे 154 ये आ गया आपका। अब इसको दो से काट देते हैं 146 को और 154 को, तो 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6 और बटे में 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, तो 73/77 आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन टू इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक नहीं है, तो कैनेडियन ओपन। अब देखिए कथन निष्कर्ष का आपका क्वेश्चन है, पहला कथन है सभी पेंडेंट आभूषण हैं, तो सारे जो पेंडेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे आभूषण हो जाएंगे। आगे कहता है कोई आभूषण चांदी नहीं है, तो कोई भी जो आभूषण होगा वो चांदी नहीं होगा, क्रॉस लगा देंगे, ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। आगे कहता है कुछ चांदी सिक्के हैं, तो चांदी का कुछ हिस्सा सिक्के में चला जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष से पहला कुछ चांदी आभूषण है, तो देखिए चांदी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं हो रहा आभूषण से, तो पहला गलत, और दूसरा है कुछ सिक्के पेंडेंट हैं, तो ये भी गलत, क्योंकि सिक्कों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है पेंडेंट से, ये भी गलत। अब है कुछ आभूषण पेंडेंट हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि आभूषण का कुछ हिस्सा देखिए पेंडेंट में जा रहा है, तो तीसरा आपका सही हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन एक निष्कर्ष 3 पालन करता है। अगला है भविष्य की तकनीकों के अनुरूप एवं ईंधन मितव्ययी विमान फ्लाइंग फिफ्थ, यहाँ क्या बनेंगे, यहाँ बनेंगे नीदरलैंड में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। अगला है उस बेनारे का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के समुच्चयों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए बहनें परिवार और सहोदर, सबसे आपका परिवार आ जाएगा, उसमें आपका सहोदर, फिर बहनें, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा, तो ऑप्शन टू इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं, तो ऑप्शन एक वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क। अगला है भीम बेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन 4
भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। अगला यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे द्वार समुद्र होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। अगला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ऑप्शन 2 अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है। अगला निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है, तो ऑप्शन 4 कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है, तो ऑप्शन 4 नियॉन। अगला है स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम सही है, तो ऑप्शन 4 पहले सैन्य विद्रोह, फिर बंगाल का विभाजन, फिर चंपारण आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन। अगला है जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए पहला जो है देख लेते हैं, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है, आपका सही हो जाएगा। और दूसरा जो कथन है, भारत ने कनाडा की दोहरी जीएसटी संरचना को चुना, ये भी सही है। और तीसरा है जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता, ये आपका गलत हो जाएगा कथन। और चौथा भी सही है, फ्रांस जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश है, ये भी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और 1 असंगत, असंगत का चयन करें। दस्तानों का जोड़ा, जूतों का जोड़ा और जुराबों का जोड़ा, लेकिन स्वीटरों का जोड़ा नहीं होता है। दस्ताने जो होते हैं वो दो पहने जाते हैं, इसलिए जोड़ा हो गया। जूते भी 2 पहने जाते हैं, ये भी होगा। जुराबों भी 2 पहने जाते हैं, ये भी 2 जोड़ा, लेकिन स्वेटर आपका 1 पहना जाता है, तो असंगत आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला है बिंजिप का क्या कार्य है, बिंजिप का कार्य होता है ऑप्शन 2 यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। अगला है भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 3 मिशन इंद्रधनुष सभी के लिए रोजगार। अगला है किसी संख्या में, मान लेते हैं संख्या है में, ये आपका कोष्टक के अंदर है, 1/3 - 1/4 जोड़ा जाता है, तो जोड़ देते हैं गाइस 1/3 - 1/4। आगे कहता है इस प्रकार प्राप्त मान में से 1/4 का 1/3 घटाया जाता है, ये मान प्राप्त हो गया तो इसमें से आप घटा देते हैं 1/4 का, मतलब मल्टीप्लाई होता है का मतलब 1/3 घटा दिया। आगे है तो इतना शेष बचता है, तो बराबर किसके हो जाएगा 1/3 + 1/4, तो संख्या बतानी है, तो संख्या x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं x प्लस, अंदर देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 3 × 12 और 4 × 3 = 12, फिर माइनस ये हो जाएगा 1/12, अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा एलसीएम, फिर 3 × 12 3 × 4 = 12 ये हो गया। अब x प्लस ये आ जाएगा 1/12 माइनस 1/12 बराबर 7/12, 1/12 कट गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7/12, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, तो ऑप्शन 4 CO2 के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, तो ऑप्शन 3 असम में स्थित है। अगला एक निश्चित कूट भाषा में मैजिकल को इसके रूप में लिखा जाता है, तो नारनिया, उसी कूट भाषा में नारनिया को कैसे लिखा जाएगा, मैजिकल के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं MAGICAL, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं, M का कोड कितना होता है 13, A का होता है 1, G का होता है कितना 7 होता है, कितना 7, I का होता है 9, C का होता है 3, A का होता है 1, L का होता है 12, इससे क्या बन रहा है आपका K by E। आगे है GA by J, इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं, K का होता है 11, Y का होता है 25, E का होता है 5, G का होता है 7, A का होता है 1, Y का होता है 25 और J का होता है 10। देखिए 13 से 11 बनना क्या हो रहा है, 2 घट रहा है,
एक से 25 बनना है, बैकवर्ड जाएंगे दो घटा रहे हैं तो बैकवर्ड चलेगा 25 आ गया। अब 7 से 5 बन रहा है, दो घट रहा है। 9 से 7 बन रहा है, दो घट रहा है। 3 से 1 बन रहा है आगे तो दो घट रहा है। 1 से 25 बन रहा है, फिर से दो घटा। और 12 से 10 बना, दो घट रहा है। यही तरीका नार्निया के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं एन ए आर एन आई ए। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एन का कोड होता है 14, ए का कोड होता है 1, आर का होता है 18, एन का कोड होता है 14, आई का होता है 9 और ए का होता है 1। प्रत्येक में दो दो घटाएंगे। 14 में दो घटाया, 12 आ गया। अब एक में दो घटाएंगे तो बैकवर्ड जाएंगे तो 25 आ जाएगा। अब 18 में दो घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। अब 14 में फिर दो घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। अब 9 में दो घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। और 1 में फिर दो घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे, कितना आ जाएगा 25। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 12 किसका होता है एल का, 25 होता है बाई का, 16 किसका होता है पी का, 12 किसका होता है एल का, 7 होता है जी का और 25 होता है बाई का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन 3 में आ रहा है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, एक लड़का पहले दिन एक पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता है, दूसरे दिन शेष बचे हुए भाग का 4/5 भाग पढ़ता है और 30 पृष्ठ अपठित रह जाते हैं। तो पुस्तक में पृष्ठों की संख्या ज्ञात करनी है, कितनी होगी? सबसे पहले तो देखिए, पुस्तक में पृष्ठों की संख्या को हम लोग मानते हैं एक्स। तो क्वेश्चन क्या है? एक लड़का पहले दिन एक पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता है, मतलब एक्स का 3/8 भाग पढ़ लेता है, ओके। और दूसरे दिन शेष बचे भाग का 4/2 पढ़ता है, तो भाग कितना बचेगा? पढ़ा तो इतना है, तो टोटल में से हम लोग 3x/8 घटा देंगे तो इतना आपका बचेगा आगे के लिए। तो ये हो जाएगा 8x में से 3x जाएगा तो 5x/8 आ जाएगा। तो 5x/8 का कितना पड़ता है दूसरे दिन? 4/5 भाग पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग 5 से 5 काटेंगे तो 4x/8 आ जाएगा। ये भाग जो है पढ़ लिया। अब कितना बचेगा? तो देखिए कितना बचेगा, तो देखिए पहले इतना पढ़ा था, दूसरे दिन इतना पढ़ा, तो बचेगा कितना? दोनों में से घटा देंगे तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? आपका 8 आ जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 5x-4x/x/8 आ जाएगा। और जो बचा है उसकी संख्या कितनी दी हुई है? 30। 30 पृष्ठ अपठित रह जाते हैं, मतलब x/8 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 30 के बराबर। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 30 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं और 1 असंगत। असंगत का चयन करें। डायबिटीज, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस, ये तीनों बीमारियाँ हैं लेकिन पैरासीटामोल आपकी दवा होती है, तो ये आपका असंगत हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन 2 एंडीज पर्वत, अर्जेंटीना और ब्राज़ीलिया गलत हो जाएगा, बाकी के 3 सही हो जाएंगे। जैसे कि सतलुज नदी है भारत और पाकिस्तान, नील नदी मिस्र और सूडान, और नियाग्रा फॉल्स यूएसए और कनाडा। अगला, निम्नलिखित में से आलू के पौधे का खाद्य भाग कौन सा है? तो ऑप्शन 2 तना। अगला, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन 1 एमनेस्टी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क यूएसए, ये नहीं है, बाकी के 3 हैं। जैसे कि ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, और IMF का है वाशिंगटन DC USA, और WHO का है मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन 2 डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला, एक फूल का मूल्य है 120 रुपया, मतलब कॉस्ट प्राइस आपका CP बराबर है 120। यदि इस दुकानदार इसे 10% की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% की हानि हो रही है तो मतलब आपका स्टार्टिंग में 100% की वैल्यू आपकी कितनी है? 120। तो यहाँ से 90% की वैल्यू बतानी है, तो 90% बराबर क्या हो जाएगा? 120/100 × 90, 20 से 20 कट जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 12 × 9।
12 नीमा आपका कितना आ जाएगा, 108, तो 108 आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला यदि एम का 10%, तो एम का मतलब 10% मतलब 10/100 किसके बराबर है, एन के 20% के बराबर है। तो एन इंटू 20/100, तो एम रेशियो एन की वैल्यू बतानी, 100 से 100 कटा, 10 दुनी 20, दो बार कटा, तो एम बराबर आ जाएगा 2n, तो एम अपान एन क्या आ जाएगा, 2/1 या 2:1 कह सकते हैं। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो 1982 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन 4 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी के तीन हैं। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा के लिए है, और कच्छ का छोटा रण जंगली गधा के लिए है। अगला है पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताएं, तो ऑप्शन 4 विष्णु शर्मा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है, तो हैजा इन्फ्लुएंजा ये नहीं होता है, हैजा जो है वो इससे नहीं होता है, एड्स, बाकी के तीन आपके सही हो जाएंगे, मलेरिया प्लाज्मोडियम, टीबी माइकोबैक्टीरियम और एड्स एचआईवी। अगला है भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी, तो 1919 से 1920 के बीच में। अगला अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई अथवा संगठन का मुख्य उद्देश्य है, तो UNO। 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए रेगिस्तान जो होता है, रेगिस्तान में ऊँट पाए जाते हैं, नदी में क्या मिलेंगे, नाव। रेगिस्तान में ऊँट चलते हैं जिसको कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज, तो नदी में नाव ही चलेंगी। अगला उस विकल्प का चयन करें जो चौथे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। देखिए धारा धारियां जो हैं जेब्रा में पाई जाती हैं, तो फूल में क्या होंगे, रंग होंगे। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट यदि प्लस का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं प्लस का अर्थ क्या है, भाग, और माइनस का अर्थ क्या है, जोड़, और गुणा का अर्थ क्या है, घटाओ। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, व्यंजक लिख लेते हैं मंजला कोष्टक 6, 2/7, फिर प्लस 4/5, मंजला कोष्टक बंद। तो मंजला कोष्टक 6 माइनस का मतलब क्या है गाइस, प्लस, 2/7 प्लस का मतलब क्या है, भाग, तो भाग कर दिया 4/5, तो ये हो जाएगा मंजला कोष्टक 6 + 2/7 × 5/4 हो जाएगा ये। ओके तो देखिए 2×2=4, 2 से ये काटते हैं, 2×2=2, और ये हो जाएगा आपका 6 + 5/14, एलसीएम कितना हो जाएगा, 14, 64, तो 84 + 5 मतलब आपका आंसर आ जाएगा 89/14। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला एक निश्चित कूट भाषा में एस्पायरेंट को इसके रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में जनरेट को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए सिंपल सा है, एस्पायरेंट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ASPIRANT। एक्चुअल में सबके कोड भी लिख लेते हैं, एक होता है ए का एक, एस का होता है 19, पी का कितना होता है 16, आई का कितना होता है 9, आर का होता है 18, ए का होता है 1, एन का होता है 14, टी का होता है 20। प्रत्येक में अब हम लोग क्या करते हैं, दो दो जोड़ते हैं, और दो जोड़ने के बाद ऊपर जो क्वेश्चन में कोड दिया गया है यही मिलेगा, देखना तुम। एक में दो जोड़ेंगे 3 आ गया, 19 में दो जोड़ेंगे 21 आ गया, 16 में अब दो जोड़ेंगे 18 आ जाएगा, अब 9 में दो जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, 18 में दो जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, और 1 में दो जोड़ा 3 आ गया, और 14 में दो जोड़ा 16 आ गया, और 20 में दो जोड़ा तो
तो 22 आ गया। देखिए पूरा का पूरा कोड मिल गया। यही तरीका जनरेट के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे तो हमें कोड जो मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन एक। अगला, उस बेनारेक का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो देखिए सबसे पहले नागरिक आएंगे। नागरिक जो होंगे वो भारतीय भी होंगे और रूसी भी होंगे, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, उस बेनारेक का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पिज्ज़ा, फास्ट फूड और इडली। इडली देखिए सबसे पहले फास्ट फूड, फास्ट फूड में पिज्ज़ा आ जाएगा, इडली आपकी अलग चीज़ है, आपकी साउथ इंडियन फूड हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षरांकीय समूह आ सकता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं K9R P27N, फिर U81J, आगे देखिए क्या भरेंगे। देखिए K से P बनाते हैं, K का कोड कितना होता है गाइस, 11 होता है और P का होता है 16। 11 से 16 बनना है, कितना जुड़ रहा है 5। अब P से U बनाते हैं, U का कितना होता है 21, 16 से 21 बना कितना जोड़ा 5, आगे भी 5 जोड़ेंगे, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, 26 किसका होता है Z का। पहला अल्फ़ाबेट हमें Z मिल गया। अब देखिए 9 3 27, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 81, 81 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आप क्या आ जाएगा 243। अब लास्ट वाला अल्फ़ाबेट देख लेते हैं, अब करने की आगे ज़रूरत ही नहीं है। जेड 243 देखिए किस में आ रहा है, ऑप्शन 2 में, बाकी के 3 ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।